नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों आपकी ट्यूटर जो है दोस्तों डीजे के लिए जो हम यूज करते हैं एचएफ, उसकी डायफ्राम दोस्तों हमारी अक्सर ख़राब हो जाती है। हर एक बुक दो बुक जाते हैं और हमारी ट्यूटर ख़राब हो जाती है दोस्तों। ताकिर ऐसा क्यों होता है, हम कौन सा डायफ्राम लगाएं दोस्तों जो हमारी लंबी दूरी तक चले दोस्तों और जल्दी ख़राब ना हो? तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आपके सामने तीन डायफ्राम लेकर के आए हुए हैं। ये ट्यूटर की है दोस्तों, आप बिल्कुल आपके सामने हम बिल्कुल इससे जानकारी कराएंगे आखिर क्यों हमारी डायफ्राम ख़राब होती है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये 750 की डायफ्राम है और ये हमारी ऑडियोटोन कंपनी की है दोस्तों, 518। तो दोस्तों ख़राब क्यों होती है इसके बारे में आज हम बात करेंगे और डिटेल से बताएंगे दोस्तों कि हमारी डायफ्राम क्यों ख़राब होती है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सारी डायफ्राम की हम बाहर निकाल लेंगे, ये दोनों नई डायफ्राम है दोस्तों। दोस्तों जब भी हम अपनी डायफ्राम को चेंज करेंगे तो उसमें हम क्या ध्यान रखना है और किस चीज़ का ख्याल करना है दोस्तों? तो दोस्तों जब भी हम अपनी डायफ्राम नई ट्यूटर से खोलेंगे दोस्तों जो हमारी ख़राब हो चुकी है, तो पुरानी वाली डायफ्राम निकालेंगे दोस्तों, तो उसके साथ हम नई वाली का कंपेयर कर लेंगे। होती क्या है दोस्तों कि जब भी हम डायफ्राम लगाते हैं और कंपनी से लग के आती है दोस्तों, जो कंपनी हमारी फिटिंग करके भेजती है, तो दोस्तों बिल्कुल मैग्नेट के अनुसार फिटिंग करके भेजती है। जो उसका कॉइल का वाइंडिंग होता है दोस्तों, जितनी उसकी अंदर रखनी है वो वाइंडिंग में ही सब सेट करके डिज़ाइन किया हुआ रहता है दोस्तों। और हम क्या करते हैं कि मार्केट से कोई भी मॉडल का डायफ्राम उठाया और लगा दिए। तो हम आपको तीनों डायफ्राम दिखाते हैं दोस्तों, और तीनों में वाइंडिंग जो है वो छोटी बड़ी है दोस्तों, और कहाँ से छोटी बड़ी होती है और किसे एडजस्ट करना है वो आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों डिसाइड करना है कि हम कौन सा डायफ्राम हम लगा रहे हैं दोस्तों। तो हम अभी इसे रीओपन कर रहा हूँ, ये मैं हमारी 750 की डायफ्राम है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 750 है, और इसकी वाइंडिंग दोस्तों देख सकते हैं कितनी कम की हुई है, बिल्कुल कम है दोस्तों। अब दोस्तों दुकानदार के पास अगर हम लेने जाते हैं तो उसका कहना है दोस्तों कि ये इसकी वाइंडिंग लेयर कम है और हम जो दे रहे हैं उसकी वाइंडिंग ज़्यादा है, तो दोस्तों इससे बढ़िया वर्क करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो है सो कंपनी अपना फिटिंग सेट करके भेजती है, ऐसा नहीं कि इसमें लेयर कम है दोस्तों तो ये हमारी ख़राब है और जिसकी वाइंडिंग ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेहतर काम करेगी, वैसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों वाइंडिंग कहाँ से शुरू हुआ है उसे भी हमें ध्यान में रखना है, और जब हम डायफ्राम को यूज़ करेंगे सेट करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों इसकी वाइंडिंग जो है वो हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। ये देख सकते हैं इसकी वाइंडिंग दोस्तों, और इसकी जो पेपर है दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये जो पेपर है कुछ पेपर छोड़ करके वाइंडिंग किया हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, यानी कि दोस्तों इसकी वाइंडिंग जो है इसकी हल्की सी ऊपर है, या बिल्कुल आपको हम नज़दीक से दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए आप। और दोस्तों कोई कोई डायफ्राम में इसकी वाइंडिंग जो है दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नीचे से है दोस्तों, जहाँ से हमारी पेपर स्टार्ट हुई है और वाइंडिंग वहीं से शुरू हो जाती है थोड़ी सी जगह रख करके। और किसी किसी में दोस्तों अब ये देख सकते हैं इसमें किसी किसी में जगह ज़्यादा रखी हुई होती है, जिसके कारण से दोस्तों हर कंपनी वालों ने अपने अपने तरीके से एडजस्ट किया हुआ है डायफ्राम को। तो दोस्तों अब ये दोनों को कंपेयर करके आप देख लीजिए, तो इसी में आपको दोस्तों आप मिस कर जाते हैं, जो कि दोस्तों जिसमें वाइंडिंग नीचे की ओर रहनी चाहिए उसमें हम लगा देते हैं ऊपर वाइंडिंग किया हुआ डायफ्राम। तो दोस्तों आवाज़ तो हमें मिलती है, लेकिन जो क्वालिटी हमें मिलनी चाहिए वो क्वालिटी हमें ना मिल करके इसकी आवाज़ भी ख़राब हो जा रही है, और हमारी डायफ्राम भी दोस्तों कुछ ही दिन चलने के बाद हमारी ख़राब हो जाती है। और दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें वाइंडिंग का लेयर जो है दोस्तों कितनी कम किया हुआ है,
तो दोस्तों अगर आपको कोई इससे ज़्यादा लेयर किया हुआ अगर डायफ्राम अगर आप लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो नहीं ख़राब होगी, सो ख़राब इससे भी जल्दी हो सकती है वो, क्योंकि दोस्तों हर मैग्नेट जो भी ट्यूटर बनाई हुई है कंपनी दोस्तों वो अपने अलग अलग मॉडल अलग अलग तरीके से बनाई है, और उसमें दोस्तों डायफ्राम जो भी कॉइल है दोस्तों वो अलग साइज़ की है। तो दोस्तों जो साइज उसमें लगी हुई है अगर हम दूसरी साइज़ का कॉइल लगाते हैं दोस्तों तो हमारी डायफ्राम ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसे आप खासा ध्यान रखें और इस तरह की गलती ना करें। तो बेशक दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, और जो कंपनी वालों ने लगा करके भेजी है दोस्तों सेम कॉइल आप मार्केट से ख़रीद के लगाएं, और इसकी वाइंडिंग दोस्तों दोनों को मिला लें और फिर यूज़ करें, तो आपकी डायफ्राम दोस्तों जल्दी ख़राब नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों आगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।